जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्लास टेंथ से, सब्जेक्ट मेरा मैथ है और ये ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात। और प्रश्नावली जो है फर्स्ट ए है, क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। इससे पहले 5 तक का क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन को देखे जरा, यदि साइड ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। इस पे करना क्या है दोस्तों, साइन ए बराबर 3/4 हमको दिया हुआ है तो इससे हमको एच पी और बी तीनों का मान निकाल लेना है और इसमें मान बैठा देना है और जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्व हेयर, लिखे हेयर साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए बराबर 3/4 है और आप जानते हैं कि साइन ए बराबर जो होता है, साइन ए वो होता है पी बटा एच, अर्थात ये पी बटा एच है। देखा जाए तो पी मेरा 3 है और एच मेरा 4 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन ए बराबर 3/4 बराबर पी बटा एच। इसीलिए क्या हो गया, पी मेरा हो गया 3 और एच जो आ गया वो 4। पी एच हमको इससे मालूम हो चुका है, रह गया मेरा बी। बी अर्थात आधार, हमें लंब और कर्ण की जानकारी हो चुकी है और हमको बी चाहिए। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और यदि हमको आधार ज्ञात करना हो, बी ज्ञात करना हो, तो बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस पे हम इसको डायरेक्ट बिठा देते हैं ताकि हमारा बी का मान निकल जाए, चूंकि बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए बी बराबर हो जाएगा, एच का मान दीजिए 4 स्क्वायर माइनस और पी का मान दीजिए 3 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा आप तो क्या आएगा, 4 × 16 आएगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो दिख दिया 9 आएगा। 16 में से 9 घटाइए तो क्या जाएगा, 7 आएगा, अर्थात ये जो रह गया 7, चूंकि टूटने वाला नहीं है तो 7 मेरा रूट में बी का मान आ चुका है 7। अब जहां भी हमको बी की माप की आवश्यकता हो वहां हम रूट 7 डालेंगे। आगे देखिए छात्रों, आगे हमको इसको सिद्ध करना है, आप लोग इसे नोट कर लें। इसे नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे अगेन sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। हमको ये दोनों पक्ष को जो है, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष समान कर देना है, अगर समान हो गया तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। sec स्क्वायर ए, आप sec का जानते होइएगा, sec जो होता है वो होता है कॉस का बिल्कुल उल्टा, कॉस का मान होता है बी बट्टा एच, तो सेक का मान हो जाएगा एच बट्टा बी। तो सेक का मान यहां बैठाएंगे हम, सेक का मान होता है एच बट्टा बी, तो यहां एच का मान हमको मालूम है 4 है और बी का मान रूट 7, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहां 4/√7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर इस पर लिखेंगे 1 प्लस
टैन का आप जानते होइएगा, टैन का जो मान होता है वो होता है पी बट्टा बी। तो पी का मान दीजिए पहले, तीन बट्टा और बी का मान दीजिए रूट सात, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और कॉसिक, तो कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का मान पी बट्टा एच होता है, तो कॉसिक का मान एच बट्टा पी, तो एच बट्टा पी देना है हमको। तो एच का मान हमको चार है, तो ऊपर चार देना है और बट्टा में देना है पी का मान तीन, तीन और स्क्वायर कर देना है, चूंकि इस पे स्क्वायर है आप इस पे स्क्वायर कीजिए। माइनस कॉट, कॉट बिल्कुल टैन का उल्टा होता है। टैन का मान बताएं हम अभी, टैन का मान होता है पी बट्टा बी, तो कॉट का मान हो जाएगा बी बट्टा पी। तो बी का मान आप दीजिए, बी का मान रूट सात है और पी का मान तीन है, तीन दीजिए और स्क्वायर लीजिए। या आगे बढ़िए आप, या इसको चार का जो स्क्वायर कीजिएगा चार चौका सोलह हो जाएगा, और सात का जो रूट सात गुने सात कीजिएगा ना तो रूट ये चला जाएगा, सिर्फ सात बचेगा, तो यहाँ सात दीजिए, ठीक है। और बराबर लिखिए, अब इसको देखिए आगे। आगे क्या करना है, इसको इसको भी वही करना है, वन प्लस इसको स्क्वायर कीजिए आप, तीन तीन नौ हो जाएगा और इसका भी रूट भाग जाएगा बटा, और इसको जो स्क्वायर कीजिएगा चार चौका सोलह हो जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तीन तीन नौ हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो सेम वही रूट जो है वो चला जाएगा, सात का रूट चला जाएगा और तीन तीन नौ आ जाएगा। आगे बढ़े, या लिखेंगे या सोलह बटा सात बराबर, इसका बट्टा का जोर आप जानते होइएगा एक और एक, इसका एलसीएम लिया जाएगा तो सात आएगा नीचे, और इस एक जो इससे भाग देंगे इसमें हम, तो सात मरतब आएगा और सात एकम सात, यानी सात जोर नौ एकम नौ बट्टा, ये नाइन दोनों में है समहर है तो नाइन दे दीजिए और सोलह माइनस सात कर दीजिए। या लिखिए या सोलह बट्टा सात बराबर सात और नौ और सात जोड़िए क्या जाएगा, नौ सात आ जाएगा सोलह बट्टा सात, और इसका लिखिए सोलह में से सात गया नौ बट्टा नौ, ये नौ नौ सेम हो गया, काट दीजिए इसको, एक आ गया इसका कोई वैल्यू ना। या लिखिए सोलह बट्टा सात इक्वल टू ये आ गया सोलह बट्टा सात, अर्थात हमारा LHS और RHS दोनों समान आ गया है, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड। तो छात्रों ये सवाल बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो ये वीडियो आज का जो है कैसा लगा आप लोग, वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर